बुद्ध हमारे को उच्च विद्या की प्राप्ति कराए, शुक्र हमारे को सांसारिक सुख की प्राप्ति कराए। संसार में ऐसा कोई जो है वस्तु नहीं, ऐसा कोई सुख न रह जाए, संपूर्ण सुख की जो हमें प्राप्ति हो, सुख शांति धन धान्य की प्राप्ति हो। शुक्रदेव हमारे को सांसारिक सुख की प्राप्ति कराएं, मकान गाड़ी पति पत्नी का सुख, संपूर्ण सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। शनिदेव हमारे सदा अनुकूल रहें और राहु हमारे ऊर्जा में ताकत प्रदान करें। कभी जीवन है, जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसा कभी संजोग ना आए। अगर ऐसा संजोग आ जाए तो जो है हम उसका जो है मुकाबला कर सकें। के तो हमारी कुल की वृद्धि करें, हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश परंपरा है, जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा हैं, तारामंडल हैं, तब तक हमारी जो वंश परंपरा है वो चलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरुस्त शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सूर्य सौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन मंगलम मंगल सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतम शुक्र सुखम संशनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकुला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। श्री सूर्यादि नवदेवताभ्यो नमः। अनया पूजा श्री सूर्यादि नवग्रहदेवताः प्रियंतान नमः। लो अब आइए महाभगवती बगलामुखी का जो है ध्यान करेंगे। बगलामुखी की जो पूजा है, माँ बगलामुखी का जो अनुष्ठान है, कलयुग में बहुत ही शीघ्र फल देने वाली। वैसे बगलामुखी का जो पुरस्करण जो संपूर्ण प्रकार की सब प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए माँ भगवती बगलामुखी का जो मंत्र है उसका पुरस्करण किया जाता है। 36 अक्षर का मंत्र है, ओम लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जुह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय लिंग ओम स्वाहा। ये जो है बगलामुखी का मंत्र। इसलिए एकाग्रचित्त होकर के देखिए, एकाग्रचित्त होकर के माँ भगवती का ध्यान करना है, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है वैसी सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, माँ भगवती के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, सच्ची लगन है, तो माँ अवश्य आपका जो है कार्य पूर्ण करती है। कि श्रद्धा ही विद्यते देवो, देवता जो है श्रद्धा में निवास करते हैं। श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते, आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कोई भी कार्य कर रहे हैं, और आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो वो जो यज्ञ है करना न करना बराबर। इसलिए बड़े श्रद्धा और भाव के साथ माँ भगवती बगलामुखी का जो है ध्यान करेंगे। माँ भगवती पीताम्बरा का ध्यान करेंगे। पीताम्बरा का पीले शिष्य पूजन होता है। कैसी है माँ पीताम्बरा? समुद्र के अमृत मणियों से सजी हुई, मंडल की जो रत्न जटित चौकी है, ऐसे जो है स्वर्ण सिंहासन पर बैठी हुई पीताम्बरा पीतवर्णा, सब आभूषणों से शोभित सुंदर अंगों वाली, शत्रु की जो जिह्वा है, जैसे फोटो में पकड़ी हुई है, शत्रु की जिह्वा को पकड़े हुए मुद्गर हाथ में लिया, ऐसे पीताम्बरा
जो देवी है उसका जो है हम ध्यान करते हैं। अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली और जो शत्रु हैं शत्रु को जो है नाश करने वाली माँ पीतांबरा देवी है, बगलामुखी देवी है। आइए माँ बगलामुखी देवी का ध्यान करेंगे। मध्य सुधावधि मणिमंडप रत्न वेदीम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णम पीतांबरा वर्णमाल्य विभूषितांगीम देवीं भजामि घृतमुद्गर भैरी ज्योहां ज्योहाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। बाएं हस्त से शत्रु की जिह्वा को पकड़ी हुई तथा दक्षिण हस्त में दाहिने हस्त में मुद्गर को जो है मुद्गर से शत्रु को पीड़ा देती देने वाली पीतांबरा से सुशोभित दो जो भुजाओं वाली जो भगवती पीतांबरा देवी है, ऐसे पीतांबर देवी का हम जो है ध्यान करते हैं। मैं हम जो है उसका उसको भजते हैं। आइए ऐसे पीतांबरी का माँ पीतांबरी का ध्यान करके पुष्प अक्षत छोड़ेंगे। ओम पीतांबरायै नमः। ध्यान आसनम समर्पयामि, स्नान कराएंगे। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहीताम् स्नानं समर्पयामि। भगवते नमः पीतांबराय नमः। वस्त्रम ओम जुवा सुवासा परवितागा सुस्यान् भवज्जायमानः तं धीरा शमसा द्युमनसा देवयन्त वस्त्रम उवस्त्रम उवस्त्रान्ते मंगलमय रक्तसूत्रं समर्पयामि। भगवते नमः पीतांबरायै नमः। गंधम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपावयश्रियं त्वां गंधर्वाकनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोघदेशो मो राजा विद्वानेक्ष्मादमुच्चतक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरी माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् पुष्पाणि समर्पयामि। श्री पीतांबरायै नमः। धूपं दीपं चंद्रमा मनसो जातकसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। साज्यां च वर्ति संयुक्तं मणिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापं भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्रैमां निर्यातघोरा दीपज्योतिर्नमस्तुते प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि हस्तप्रक्षालनपूर्वकं नैवेद्यम्। ओं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्धिसह श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा। मध्ये पाणि उत्तरा पोषणम समर्पयामि करोद्वतनाथे चंदनानुलेपनम अगुं सुनाते अगुं सोह प्रचताम परुखा परोह गंधस्ते सोमवतो मदाय रसो अच्युतः नैवेद्यान्ते आत्मनियम जलम ऋतुकालोद्भव फलम ओम मज्याः फलिनिर्ज्या फला पुष्पाजास पुष्पिणी बृहस्पति प्रस्थास्थानो मुञ्चन्तो गुंहसः ओम इदं फलम मया देव स्थापितं कृतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर् भवेत् जन्मनिष्कालोद्भव फले समर्पयामि। श्री महा श्री बगलामुखी देव्यै नमः। पीतांबरायै नमः। मुक्षुद्ध्यर्थे अनिला लवंगात् ताम्बूलपत्रम ओम जत्पुरोखेण अविखा देव यज्ञवतान्वता वसंतोषे आशीदाज्याङ्घ्रिह्मद्मा शरद्दवि मुक्षुद्ध्यर्थ अनिला लवंगात् ताम्बूलपत्रम समर्पयामि कृताय पूजाय साधुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणा ओम हिरण्यगर्भ समर्थाग्नि भूतस्य जातः पत्रेका आसीत सदा धार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फलदमत शांतिं परयच्छमि कृताय पूजाय सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि पीतांबरायै नमः।
लो जी, बगलामुखी का अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। माँ भगवती बगलामुखी से आप प्रार्थना करना है कि माँ भगवती आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसे प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके मनी मन में माँ से प्रार्थना करनी है। नारद वाचा भगवान देव देवेश सृष्टि स्थिति लयात्मक शतमोष्टद नाम बगलाया बदाधुना भगवान वाचा श्रृणुवत्स प्रवक्ष्यानि नामनामष्टोदश मष्टोत्तरं शतम् बगलाया महादेव्या स्तोत्रम्या प्रणनासनम् यस्य प्रोठनात् सद्यो बाधिमोको भदेक्षणात् रिपुणास्तम्भनम् याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अस्य श्री बगला अष्टोत्तरनाम स्तोत्रमन्त्रस्य सदाशिवऋषिः अष्टौ छन्दः श्री बगलामुखी देवता सर्वाभीष्ट सिद्धि प्राप्तये जपे विनियोगः। ओम बगला विष्णुवनिता विष्णु शंकर भामिनी बगला वेदमाता च महाविष्णु प्रसूरपि महामस्या महाकुर्मा महाबाराहरूपिणी नरसिंह प्रिया रम्या बामना भटुरूपिणी जमदग्न्य स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलह कलविकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धिभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गार्तिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीका सा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली काला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्य केशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिबन्धिता नागिनी नागजननी नागराजप्रबन्धिता।